Acer Nitro V versus Lenovo Lock का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ये है Lenovo Lock और Acer Nitro V भी मैंने एक महीना यूज करा है, तो बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन होने वाला है। गेमिंग परफॉर्मेंस, हीटिंग सब भाई इसमें कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं स्पेक से शुरू करूं तो Acer Nitro V में आपको i5 13 जेन का वेरिएंट देखने को मिलता है, RTX 4050 का 75 वाट TGV वाला ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, साथ में 47.5 वाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है, पूरी ऑल ओवर प्लास्टिक लुक देखने को मिलती है। Lenovo Lock में आपको i5 12 450H का प्रोसेसर देखने को मिलता है, RTX 3050 का 95 वाट TGV वाला ग्राफिक कार्ड है, खली वाली इस पे क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, और इसमें आपको 16GB रैम साथ में 512GB की आपको SSD देखने को मिलती है। सेम उसमें भी Acer Nitro V में, उसमें 8GB वाला भी वेरिएंट आता है, पर वो मत लेना, अगर भाई भाई मानते हो तो वो मत लेना यार। दोनों लैपटॉप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो भाई Acer Nitro V में आपको एक छोटा लुक देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप जब 10-12 साल के थे, आपके दोस्त की हाइट थोड़ी सी आपसे बड़ी थी ना, आपकी थोड़ी छोटी हो सकती है या आपकी बड़ी हो सकती है, वैसी भाई Acer Nitro V में है। Acer Nitro V छोटा भाई लगता है Lenovo Lock का, क्योंकि भाई मैंने लैपटॉप को बॉक्स से बाहर निकाला, मेरे को लगा 14 इंच का लैपटॉप है, फिर मैंने चेक करा, मैंने कहा नहीं भाई ये 15.6 इंच ही है, पर छोटे वॉर्म फैक्टर में है, पतला गेमिंग लैपटॉप है, हल्का गेमिंग लैपटॉप है, 2.2 kg का पूरा प्लास्टिक में बिल्ड है, ऊपर से इसका डिजाइन बहुत अच्छा लगता है Acer Nitro V का। भाई मैंने इन ब्लैक, आपने मूवी देखी है ना, उनके आउटफिट देखे हैं ना आपने, पूरे ब्लैक डैशिंग लुक बहुत बढ़िया देते हैं, वैसी भाई Acer Nitro V में इसकी भाई लुक्स ब्लैक में बहुत ही बढ़िया देखने को मिलती है। इसमें सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट इसमें भी आपको देखने को मिलता है, और कुछ पोर्ट राइट साइड है, कुछ पोर्ट लेफ्ट साइड है। एक प्रॉब्लम है कि हीटिंग फैंस जो है ना वो दो है, पर एक ही साइड है और एक ही साइड वेंट है, और दो साइड वेंट है मतलब, और जो वेंट की हवा है ना वो सीधा स्क्रीन पे पड़ती रहती है, उससे मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। आगे जाके हीटिंग में बताऊंगा, गेमिंग में बताऊंगा कि उसमें प्रॉब्लम आती है नहीं, तो एंड तक देखो वीडियो को। Lenovo Lock की बात करूं तो पूरा प्लास्टिक में बिल्ड है, बहुत ही बढ़िया भाई, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के प्लास्टिक से, हिंज इसके बेटर है भाई Acer Nitro V से, आपको बता दूं ठीक है। और इसकी जो फॉर्म फैक्टर है, बढ़िया तगड़ा गेमिंग लैपटॉप लगता है, चाहे 2.4 kg 2.5 kg गए तब भी एक स्ट्रॉन्ग गेमिंग लैपटॉप लगता है, बहुत ज्यादा भारी भी फील नहीं होता, डेल G15 पत्थर की तरह। इसकी भाई लुक्स भी मेरे को बेटर लगे, क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ग्रे ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, वही चीज है ना, अगर आप ग्रे टी शर्ट पहन लो साथ में ब्लैक पैंट्स के साथ, ब्लैक जींस के साथ, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन लगेगा ना, वैसी भाई इसका कॉम्बिनेशन लगता है, बहुत ही बढ़िया। इसमें 4 साइड आपको वेंट्स देखने को मिलते हैं, 2 साइड पीछे से हैं और 2 साइड राइट से हैं, तो बहुत ही बढ़िया हीट भाई बढ़िया बाहर जाती है। इसके टेम्परेचर Acer Nitro V से थोड़े से कम भी रहते हैं। कीबोर्ड और ट्रैक पैड की बात करो तो ट्रैक पैड भाई Acer Nitro V का बहुत बेटर है Lenovo Lock से। Lenovo Lock का थोड़ा सा चीप फीलिंग देता है, अगर मैं इसके टिक 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 आवाज में करता हूँ ना तो भाई थोड़ी सी चीप फीलिंग है, पर ट्रैक पैड एवरेज है Lenovo Lock का, Acer Nitro V का बहुत बढ़िया है। कीबोर्ड में बात करूँ तो कीबोर्ड में भाई दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बस एक चीज है, Lenovo Lock का कीबोर्ड मेरे को बेटर लगा, क्यों? क्योंकि भाई इसमें कीज थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, ठीक है। Acer Nitro V छोटे फॉर्म फैक्टर में आता है, पूरा Acer Aspire सीरीज वाला टाइप लुक है, तो भाई उसके कीबोर्ड थोड़ी सी कीज जो है ना, थोड़े छोटे बच्चे वाली कीज बनाई है, मतलब मेरे तो उंगलियां बड़ी हैं, ठीक है, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसमें, इसमें प्रॉब्लम नहीं आती मेरे को। RGB कीबोर्ड की बात करो तो भाई यार RGB कीबोर्ड उन्होंने दोनों ने ही नहीं दिया, Asus से थोड़ा सीखो यार, मतलब RGB कीबोर्ड Asus तो अपने 50-60 हज़ार वाले लैपटॉप में भी देता है, ये 70,000 में भी नहीं दे रहे, उसमें आपको व्हाइट लाइट देखने को मिलती है, इसमें भी आपको व्हाइट लाइट देखने को मिलती है, तो वही भाई दिवाली के दिन या अब तो न्यू ईयर आएगा तो उसके दिन डिस्को दीवाने न्यू ईयर वाले दिन नहीं हो पाएगा, वो Asus के लैपटॉप के साथ ही हो सकता है। भाई अब मैं बात करूंगा इसकी डिस्प्ले की, तो भाई Lenovo Lock और Acer Nitro V में डिस्प्ले में भाई जमीन आसमान का फर्क है, आपको बता दूं उसमें 240-250 nits की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है Acer Nitro V में, Lenovo Lock में आपको 350 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। और भाई मैं बस हाथ जोड़ना चाहूंगा कि भाई Lenovo Lock ही लेना अगर आपको भाई डिस्प्ले अच्छी चाहिए, क्योंकि भाई इसकी डिस्प्ले और Acer Nitro V की डिस्प्ले भाई कोई कंपैरिजन नहीं है, इसमें इतने बढ़िया कलर्स आते हैं। अगर आपको कलर ग्रेडिंग करनी है तो बहुत हाई लेवल की कलर ग्रेडिंग तो नहीं हो पाएगी इसमें भी Acer Nitro V में भी, पर भाई Lenovo Lock की जो डिस्प्ले है उसकी जो ब्राइटनेस है, मतलब अगर कोई मेरे को मूवी देखनी होती है ना, मैं अपने टीवी पे नहीं देखता, मैं अपने फ़ोन पे नहीं देखता, मैं भाई Lenovo Lock में देखना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि भाई आँखों के लिए ना जन्नत है भाई। आपको 144Hz का पैनल देखने को मिलेगा, तो गेमिंग भाई बढ़िया स्मूथ हो सकती है इसमें। अब मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, भाई सारे लोग वेट कर रहे हैं Acer Nitro V की परफॉर्मेंस बेटर है या भाई Lenovo Lock की परफॉर्मेंस बेटर है, गेमिंग में कौन बेटर है? तो भाई सबसे पहले मैं Acer Nitro V की बात करूँ तो भाई वीडियो एडिटिंग में बहुत तेज फैंस चलते हैं आपको Acer Nitro V के, बता दूँ बहुत तेज, और थोड़े से भाई इशू भी देते हैं, आसपास कोई बैठा हो तो कोई दिक्कत आ सकती है। Lenovo Lock के जो फैंस है वो भाई बढ़िया स्मूथ रहते हैं,
लेनोवो लॉक के फैंस भाई उतने हाई लेवल पे नहीं जाते नॉइस के मुकाबले, तो भाई इसके फैंस थोड़े से बेटर हैं उस एरिया में। और भाई वीडियो रेटिंग में भी मेरे को लेनोवो लॉक बेटर मिला, क्योंकि भाई ये जल्दी रेंडर कर रहा था वीडियो को। गेमिंग में बात करूं तो भाई मैंने साइबरपंक टेस्ट करी थी एसर नाइट्रो वी में, तो भाई एसर नाइट्रो वी के लेनोवो लॉक के भाई एफपीएस एक जैसे ही मिल रहे थे, पर भाई एसर नाइट्रो वी में आपको एडवांटेज देखने को मिलती है DLSS 3 सिर्फ RTX 40 सीरीज में आपको देखने को मिलता है। तो भाई मेरे दिल को बहुत छू गया ये गिफ्ट, एसर वालों को अपनी तरफ से गिफ्ट भेजने वाला हूँ मैं, ठीक है, वो होगा मेरी तरफ से पनीर वाला पिज्जा, ठीक है, बढ़िया भाई एसर वेट कर लो भाई उसके लिए। 15-20 FPS भाई ऊपर हो जाते हैं, इसमें आपको DLSS 3 देखने को नहीं मिलता क्योंकि RTX 30 सीरीज वाला ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, सिर्फ 40 सीरीज में आपको देखने को मिलता है। GTA 5 की मैं बात करूँ तो GTA 5 में FPS मेरे को इसमें बेटर देखने को मिल रहे थे, सोचो यार जरा, उसमें RTX 4050 है, तब भी मैंने कहा था ना उसमें 75 वॉट वाला है, तो उसका ध्यान रखना, उसका फॉर्म फैक्टर भी भाई प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप वाला नहीं है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो भाई GTA 5 भाई इसमें बेटर चल रही थी और डिस्प्ले भी इसकी बेटर है, तो बहुत मजे को मजा आ रहा था। Far Cry 6 मैंने टेस्ट करी, ठीक है, वैलोरेंट टेस्ट करी, बहुत सारी मैंने गेम्स टेस्ट करी। गेमिंग में आपको बताऊं तो भाई एसर नाइट्रो वी अगर आपको सिर्फ FPS चाहिए ना, तो भाई एसर नाइट्रो वी के FPS बेटर आएंगे एज कम्पेयर टू लेनोवो लॉक। पर ओवरऑल मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं कि भाई फैंस कितने ज़्यादा नॉइस करते हैं, ठीक है, कैसी डिस्प्ले के हिसाब से, सबके हिसाब से ओवरऑल मैं लेनोवो लॉक ही चूज करूंगा, क्योंकि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि 150 FPS आ रहे हैं, मैं भाई वो 130 में भी काम चला लूंगा, ठीक है, मेरे लिए बेटर है, मेरे लिए भाई बहुत ही बढ़िया है, तो मैं लेनोवो लॉक को ही चूज करूंगा गेमिंग में। भाई नॉर्मल डे टू डे परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो भाई मैंने वर्ड चलाया इस पे, मैंने एक्सेल चलाया, सब कुछ चलाया भाई, क्रोम ब्राउजर अपना भाई, काम जैसे यूट्यूब का हम करते रहते हैं, अब तो भाई इंडिया भी देख रहे हो आप हार गई यार, बहुत ही दुख हो रहा है भाई मेरे को, आप बता रहे हैं आपको दुख हो रहा है इंडिया की हार का। तो भाई इसमें नॉर्मल डे टू डे टास्क में लेनोवो लॉक में एसर नाइट्रो में दोनों ही बहुत स्मूथ चलते हैं, कोई भी मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। भाई बेंचमार्क्स अगर हम कंपेयर करें तो भाई एसर नाइट्रो वी से लेनोवो लॉक के बेंचमार्क्स बेटर आए हैं आपको बता सकता हूं मैं, ठीक है, 11,000 के अराउंड स्कोर आया था, ठीक है, सिनेबेंच में, और उसका 10.5 के अराउंड आया था स्कोर। भाई स्पीकर्स की बात करूँ तो भाई एसर नाइट्रो वी वर्सेस लेनोवो लॉक में स्पीकर्स में भाई डेफिनेटली एसर नाइट्रो वी भाई विनर है। एसर नाइट्रो वी भाई राजा बन के बैठा हुआ है, जैसे भाई राजा महाराजा ऐसे बैठे रहते हैं ना कि आओ जरा हमारे सामने कोई आके दिखाओ, वैसे भाई एसर नाइट्रो वी कह रहा है कि आओ हमारे सामने कोई आके दिखाओ। एसर नाइट्रो वी के स्पीकर्स हैंड्स डाउन बहुत बेटर हैं, ठीक है, लाउडनेस के मुकाबले में बेटर है, वैसे नॉर्मल क्वालिटी के मामले में तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं आपको बता सकता हूँ। भाई मक स्विच, भाई मक स्विच आपको लेनोवो लॉक में देखने को मिलता है, ठीक है, एसर नाइट्रो वी में आपको देखने को नहीं मिलता, तो अगर आप गेमिंग करोगे कोई दिक्कत आएगी तो भाई लेनोवो लॉक में जाके, लेनोवो वैंटेज सॉफ्टवेयर में जाके आप भाई अपना आराम से मक स्विच ऑन कर सकते हो। परफॉर्मेंस मोड में खेलना, परफॉर्मेंस मोड ऑन कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यहाँ बैटरी में जाके राइट क्लिक करके, ठीक है, बैटरी सेटिंग में जाओगे और इस साइड आएगा बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट एफिशिएंसी, तो उसमें भी बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन कर लेना, आपकी भाई मक्खन स्मूथ BMW लेवल वाली भाई परफॉर्मेंस होगी दोनों में, दोनों लैपटॉप में बता रहा हूँ। ग्राफिक कार्ड भी आप एक्सटर्नल वाला कर लेना, कई भाई इंटरनल ग्राफिक कार्ड पे खेलते जा रहे हो, गेम चलाते जा रहे हो गेम। इस सर में आपको नाइट्रोसेंस सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, इसमें आपको लेनोवो वैंटेज सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, फैंस कंट्रोल करने हो, फैंस की स्पीड कंट्रोल करनी हो, ठीक है, मेगाहर्ट्ज देखने हो, कितनी भाई रैम खा रही है, कितना ये सब हो रहा है, सारी जो भाई इंटरनल चीजें है ना बढ़िया बढ़िया, वो आप भाई इन सॉफ्टवेयर में जाके आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आजकल लोग बहुत ज्यादा बिजी है, कहीं क्रिकेट मैचेस में, कहीं ऑफिस में, कोई भाई आराम से ऐश कर रहे हैं, मूवी वूवी देख रहे हैं, तो भाई बैटरी लाइफ बहुत जरूरी है। बैटरी लाइफ आपको बताऊं दोनों की बहुत ही एवरेज है, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई गेमिंग लैपटॉप में बैटरी लाइफ अच्छी नहीं होती। अगर आपको बेस्ट बैटरी लाइफ चाहिए Asus TUF F15 ले लेना, 90 वाट आवर की बैटरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, इसकी बैटरी वही 2.5-3 घंटे चलेगी, एसर नाइट्रो वी की भी 2.5-3 घंटे चलेगी, गेमिंग करोगे तो 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, पर गेमिंग भाई बिना पावर के मत करा करो, चार्जिंग के साथ लगा के करोगे बढ़िया FPS मिलेंगे, बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। भाई रैम स्टोरेज एक्सपैंड आप दोनों में ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, इसमें भी रैम लगाओ स्टोरेज लगाओ, एसर नाइट्रो वी में रैम लगाओ, ठीक है, स्टोरेज लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेब कैमरास दोनों की ही मेरे को एवरेज देखने को मिलते हैं, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि भाई गेमिंग लैपटॉप है तो उसमें एवरेज ही देखने को मिलते हैं। भाई ओवरऑल में बात करूं आपको एसर नाइट्रो वी लेना चाहिए या आपको लेनोवो लॉक लैपटॉप लेना चाहिए, एक छोटे फॉर्म फैक्टर में आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए, हैवी आपको वर्क करना है, आपको ऑफिस जाना है, ठीक है, आपको कॉलेज ट्रैवल करना है, अपने दोस्तों वोस्तों से मिलना है और दिखाना है भाई एसर नाइट्रो वी का डिजाइन ऊपर से, तो भाई आप एसर नाइट्रो वी ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया FPS देखने को मिलेंगे। हीटिंग की बात करूं तो लेनोवो लॉक थोड़ा सा कम हीट हुआ है एज कम्पेयर टू एसर नाइट्रो वी, पर आप कूलिंग पैड भाई ले सकते हो, ठीक है, ये रहा कूलिंग पैड जो मैंने लिया हुआ, बहुत ही बढ़िया, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बट ज्यादा FPS चाहिए कुछ कुछ गेम्स में तो भाई आप एसर नाइट्रो वी ले सकते हो। बेटर स्पीकर्स चाहिए तो आप एसर नाइट्रो वी ले सकते हो। हल्का लैपटॉप चाहिए, आपको कंधे नहीं दर्द करने, तो आप एसर नाइट्रो वी ले सकते हो। ओवरऑल आपको एक बेटर लैपटॉप चाहिए, बेटर कूलिंग फैंस, ठीक है, बेटर डिस्प्ले,
बेटर बिल्ड क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग डिजाइन, तो भाई अब लेनोवो लॉक ले सकते हो। और ओवरऑल लेनोवो लॉक एक बेटर लैपटॉप है Acer Nitro V से मैं कंपेयर करूँ। मैं होता आपकी जगह तो भाई मैं भी लेनोवो लॉक ही लेता। बेटर बैटरी चाहिए होती तो मैं Asus तब A15 लेता। और भाई हाँ, मैं बताना भूल गया, MS Office आपको लेनोवो लॉक में देखने को मिलता है, Acer Nitro V में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो MS Office चाहिए तो भाई लेनोवो लॉक ले सकते हो। तो भाई दोनों लैपटॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कूलिंग पैड का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेनोवो लॉक की मैंने अनबॉक्सिंग करी है, बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी बहुत ही बढ़िया नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।